हेलो एवरीवन, साइंस के एक चैप्टर नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एक्शन ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। बॉडी के सभी एक्शन को कंट्रोल करेगा कौन? नर्वस सिस्टम। ये दो 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 पार्ट्स में के बनता है क्या? एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस नर्व्स। नर्वस सिस्टम तीन पार्ट्स में के बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन के फंक्शन। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ फॉर आवर होल बॉडी। इट वर्क्स लाइक ए सुपर कंप्यूटर। और ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है किसके थ्रू? नर्व से। और इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। ठीक है, कौन? ब्रेन। इज स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल इट व्हेन नीडेड। इट इज कॉल्ड मेमोरी। इसे मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम मेडुला। सेरेब्रम ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑर्गेन ये सबको कंट्रोल करता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अपर रीजन ऑफ ब्रेन। और ये ब्रेन के अपर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम, ये ब्लेंस का काम करता है। नेक्स्ट है मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये वेरी सॉफ्ट एंड डिलिकेट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का ये एक पार्ट है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन द स्पाइन और बैकबोन एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन एंड बॉडी के अदर पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है नर्व्स, थ्री टाइप्स के होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन जो हम लोग लेते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन है। अब आ जाइए सेंस ऑर्गेन्स, पांच टाइप के सेंस ऑर्गेन है, आई, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आई के बारे में दिया गया है, चलिए आप लोग शॉर्ट में है पढ़ लीजिएगा इसको। आई डायग्राम भी देखिए, ये बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। बस इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, और ये है ऑप्टिक नर्व,
ये ऑप्टिक नर्व, इसको बोलते हैं प्यूपिल, और ये है तो आपका आयरिस, ठीक है। कॉर्निया कहाँ है, देखिए कॉर्निया यहाँ पर है जहाँ से लाइट पास करता है, ठीक है। ये है लेंस, हमारे आँख में लेंस लगा हुआ रहता है, यहाँ पर रहता है रेटिना, यहाँ पर इस पार्ट में रेटिना है जहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है। रेटिना में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर, आँख पर इमेज रेटिना पर बनता है, और कैसा इमेज बनता है, ये उल्टा इमेज बनता है, और इसको सीधा कौन करता है, ऑप्टिक नर्व इसको सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है जहाँ पर हम लोग का ब्रेन में सीधा इमेज बनता है, ठीक है। और रियल इमेज बनता है, चलिए आई के बारे में दिया हुआ, एक्सटर्नल ईयर, ईयर्स के बारे में, एक्सटर्नल ईयर्स, मिडिल ईयर्स एंड इनर ईयर्स। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोन के बारे में भी दिया हुआ है, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये सब के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट का हेल्प हो सके, थैंक यू। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।